और आज देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 94वां एपिसोड देश भर में सुना गया है। और इस दौरान राजधानी देहरादून में उत्तराखंड सरकार के वन मंत्री और देहरादून जिले के प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल मसूरी के क्यारकुली गांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने मंत्री का स्वागत जोरदार से किया गया है। बता दें कि इस मौके पर मंत्री उनियाल के साथ ग्रामीणों ने भी प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात सुनी है। उत्तराखंड सरकार के वन मंत्री और देहरादून जिले के प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल ने मन की बात सुनने के बाद कहा कि प्रधानमंत्री के मन की बात प्रेरणादायक रही और खासकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का भुगतान करना एक बड़ी समस्या है, जिसमें सभी लोग बिजली का भुगतान नहीं कर पाते हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के गांव की बात कही, उससे यहां के लोग खुश हुए हैं। उन्होंने कहा कि यहां पर क्यारकुली गांव में सोलर प्लांट की अपार संभावना है। मसूरी से नरेश नौटियाल की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जी का ये मन की बात का कार्यक्रम, मैं उनका भाषण निश्चित बहुत प्रेरणादायी था, खासकर नौजवानों के लिए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए। आज ग्रामीण क्षेत्र में बिजली का भुगतान करना अपने आप एक समस्या है, क्योंकि कई आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो जिस तरह से उन्होंने गुजरात के गाँव का जिक्र करते हुए, यहाँ के लोग आज बहुत प्रसन्न है, और जिसपे उनको वहाँ के लोगों द्वारा कहा गया